हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी NBFC एप्लीकेशन है जिनको प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया है और कुछ ही समय में उन सभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा भी जाएगा है। और इसके पीछे का दोस्तों क्या कारण रहा है, तो मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ कि ये सारी एप्लीकेशन RBI के किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। अपना इंटरेस्ट रेट वो भी काफ़ी हाई रखेगी, साथ ही में कॉन्टेक्स्ट पे कॉल करने की परमिशन आपसे बिना पूछे अलाउ कर लेना, और साथ में आपकी इमेज को ख़राब करना, और साथ में ब्लैकमेलिंग, टॉर्चर, ऐसे काफ़ी इन लोगों पे आरोप लगे थे। और लगातार कंप्लेंट्स भी इन सभी एप्लीकेशन के खिलाफ मैं कर रहा था। और आप लोगों को अब बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आप ये खुशखबरी सुन के और ये वीडियो देख के खुश हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आखिर ये सबसे बड़ी खबर क्या है, तो फ्राइडे के दिन यानी कि आज के दिन फिर से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है। और इन सभी पे आरोप है कि ये सारी एप्लीकेशंस इंटरेस्ट रेट काफ़ी हैवी रखती थी, साथ ही में अपने आप को हमेशा लॉस में शो करेगी लेकिन हमेशा रहती है प्रॉफिट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हैवी रहते, काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती थी इन सभी एप्लीकेशंस की। और साथ ही में आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है, फ्रॉड करने का बहुत बड़ा आरोप लगा है इन सभी एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों फेयरसेट। इस एप्लीकेशन को भी हमेशा के लिए दोस्तों बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो बड़ी एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा वो है रूपी रीडी, इसको भी दोस्तों बैन कर दिया गया है। लेजी पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैन है, और किस्त भी बैन है। अब इन सभी में से किसी भी एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट दोस्तों नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। काफ़ी लोग कर रहे थे कमेंट कि क्या हम लोग इसका पेमेंट नहीं करें कि कर दे, तो आपको इन सभी में से किसी का भी पेमेंट नहीं करना है। अब इन सभी एप्लीकेशंस का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, अगर वो आपके सिविल में शो हो रहा है तो कुछ ही समय में सिविल में शो होना भी बंद हो जाने वाला है। ऐसी एप्लीकेशंस के खिलाफ RBI की ये कार्रवाई बहुत ही अच्छी रही और काफ़ी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से अब हटाया गया और साथ ही में बैन किया गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो सबसे बड़ी दोस्तों खबर आ रही है वो सामने ये निकल के आ रही कि क्रेडिट भी, जी हाँ दोस्तों आप लोग एकदम सही सुन रहे, क्रेडिट भी जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, करोड़ों लोग इसके यूज़र हैं और लाखों लोगों ने इससे लोन ले रखा है, और ये भी फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ी गई। और इसके पीछे भी मैंने 2-4 वीडियो पहले ही बना रखे हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब क्रेडिट बी की भी सबसे बड़ी खबर दोस्तों मुझे मिल गई है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे भी बैन लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम ही सही सुन रहे, लाखों यूज़र्स हैं इसके बावजूद भी इसने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और अब इस एप्लीकेशन पर बैन लग चुका है। आपको इस एप्लीकेशन का 1 रुपया भी नहीं पेमेंट करना है। जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक हमारे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। बैन होने के बाद अब इन सभी एप्लीकेशन को धीरे धीरे प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है वो मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, वो अभी अगले अपने वीडियोस में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से ज़रूर रखिएगा। और दूसरी बड़ी एप्लीकेशन M-Pocket, जिस पे मैंने लगातार वीडियो बनाई थी कि ये बंद हो जाएगी, और आखिर में इस एप्लीकेशन को भी फ्राइडे के दिन यानी आज के दिन बंद करना पड़ गया। इस एप्लीकेशन पे भी दोस्तों लग गया है बैन, और ये एप्लीकेशन भी आपको कभी भी प्ले स्टोर पे दिखाई नहीं देगी। और जिस लोगों ने इस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है अब आपको भी 1 रुपया भी इसका पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको 1 रुपया भी लोन नहीं देना है। ये एप्लीकेशन खासकर छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, स्टूडेंट्स लोगों को जीने दोस्तों नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब कर रहे थे। कॉन्टेक्ट पर कॉल करना, पेरेंट्स को, फैमिली को, रिलेटिव को कॉल करके तंग कर देना, ऐसी हरकत करने के बाद इस एप्लीकेशन को भी आखिरकार बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये भी तो शुरू से फर्जी ऐप है बडी लोन, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये बडी लोन की जो नाम की एप्लीकेशन है ये एकदम ही फर्जी है, और वो वीडियो आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। और आखिर इसका फर्जी वाला पकड़ा गया है और इस एप्लीकेशन को भी RBI के द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, सबका लाइसेंस रद्द हो चुका है। ये भी दोस्तों हो चुकी है एप्लीकेशन बैन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन फिर से एक और आती हुई नज़र आ रही है, वो है पेमी इंडिया लोन ऐप। जी हाँ दोस्तों, पेमी इंडिया पर्सनल लोन के ऐप से नाम से एप्लीकेशन थी, और इस एप्लीकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गड़बड़ी थी, काफ़ी लोगों के जो लोन्स थे वो शो नहीं किए जाते थे, इसके बावजूद भी उन लोगों को लोन दे दिया जाता था बिना RBI की गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए, और फिर उसके बाद उन सभी को तंग किया जाता है। आप लोगों की सारी समस्याओं का हल इसी चैनल पर मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा रखिएगा और आगे वाली नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो पेमी इंडिया को भी दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। अब ये एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे दिखाई नहीं देगी और आपको इस एप्लीकेशन का भी पेमेंट नहीं करना होगा। तो सबसे बड़ी दोस्तों जो 2 खबर थी वो ये थी कि क्रेडिट बी और M-Pocket, इसको भी बंद कर दिया गया।
और अब ये एप्लीकेशन का लाइसेंस रद्द हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को काफ़ी से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये न्यूज़ पता चल सके। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत जल्द।